वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज का ये वीडियो उन कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी कारण से अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं या उपनाम में कोई चेंज करवाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा। और अगर कोई महिला कार्मिक है, वो शादी के बाद में या अन्य किसी भी स्थिति में अपना नाम सरनेम अगर कोई बदलना चाहे तो उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रावधान है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ कि ऑथेंटिक जानकारी दूँ, फिर भी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट हो या कोई चेंज हो तो कृपया जो भी विभागीय आदेश है उसी की पालना करें, उसी को ज़्यादा मान्यता दें। तो आज का जो टॉपिक है कि राजकीय कर्मचारी द्वारा अपने नाम या उपनाम में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी। तो सबसे पहले जो राज्य कर्मचारी अपना नाम बदलवाना चाहे अथवा अपने वर्तमान में नाम में संशोधन कराना चाहे वह उसके लिए एक बंद पत्र यानी बॉन्ड भर कर देगा ताकि औपचारिक रूप से अपने नाम अथवा उपनाम में परिवर्तन की प्रक्रिया वो शुरू की जा सके। नियम 8 के अंतर्गत राजकीय निर्णय संख्या 5 के अनुसार नाम अथवा उपनाम में परिवर्तन के लिए बंद पत्र का प्रपत्र निर्धारित है। वो बॉन्ड क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा इस प्रपत्र में बंद पत्र भरना पड़ता है और उस पर ऐसे व्यक्तियों की साक्षी करानी चाहिए जिन्हें कार्यालय अध्यक्ष जानता हो। साक्षियों द्वारा बंद पत्र प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए और इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में होना चाहिए और स्वयं के वेब पर, यानी जो भी कार्मिक चेंज करवाना चाहता है वो अपने वेब पे समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा कि मेरा नाम पूर्व में ये था और अब मुझे इस नाम से पुकारा जाए। इस तरह का जो प्रकाशन है समाचार पत्रों में वो करना जरूरी है। और उसके बाद साथ ही राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन में कर्मचारी के स्वयं के वेब पर प्रकाशन किया जाना चाहिए और राजपत्र में प्रकाशन के लिए उसे स्वयं को केंद्रीय राजकीय मुद्रा निलय जो भी है गवर्नमेंट जो प्रिंटिंग है उससे संपर्क करना चाहिए। और सभी उपरोक्त औपचारिकताओं की अनुपालना के पश्चात प्रस्तुत व्यक्तियों की संतोषजनक साक्षी जो भी दो व्यक्ति साक्षी दे रहे हैं वो और बंद पत्र में निष्पादन के बाद नया नाम अथवा उपनाम रखने की राजकीय स्वीकृति दी जाएगी और उसके अनुरूप कर्मचारी से संबंधित अभिलेखों में जैसे सर्विस बुक वगैरह जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें तदनुसार प्रविष्टियां अथवा संशोधन किया जाएगा। और ऐसे बंद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में लगाई जाएगी, सर्विस फाइल में लगाई जाएगी तथा लेखाकार महालेखाकार और निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर को भी भेजी जाएगी ताकि आगे के जो भी पेंशन प्रोग्राम वगैरह है उसमें भी कोई समस्या नहीं आए। और नियम संख्या 5 का निर्णय संख्या 8 और ये संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रण अधिकारी के मार्फत शुरू होगी यानी जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके मार्फत होगी और विभागाध्यक्ष द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। अब इसमें महिलाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो नियम 3 है उसमें वित्त विभाग के आदेश F1D रूल्स 2017-15-2018 के अनुसार ये पूरा आदेश भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कौन सा आदेश है। इसके अनुसार शादी के पश्चात महिला कर्मचारी का उपनाम यानी सरनेम परिवर्तन करने हेतु नियुक्ति अधिकारी सक्षम है और समाचार पत्र में प्रकाशन या गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर महिला शादी के बाद में अपना सरनेम परिवर्तन करती है तो उसके लिए अखबार में प्रकाशन या गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी आदेश के उपरांत संबंधित कार्यालय अध्यक्ष महिला कार्मिक के सेवा अभिलेख सहित अन्य जगह पर सरनेम परिवर्तन की कार्रवाई करेंगे। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट जानकारी जो वरिष्ठ साथी लीला राम जी प्रधानाचार्य निवासी अलवर की तरफ से ये दी गई है। अब मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि महिलाओं द्वारा जो भी सरनेम चेंज करने का जो आदेश है 15-2-2018 का ये क्या आदेश है। तो पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ये जैसे 15 फरवरी 2018 का जो आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स रिविजन, इसमें ये मेमोरेंडम है चेंज डिलीशन ऑफ सरनेम ऑफ फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रूल 8A जो 8A है जिसका जिक्र वीडियो के शुरुआत में भी किया गया था ऑफ द राजस्थान सर्वे रूल्स, इसमें लिखा हुआ है द प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन लेड डाउन वाइड फाइनेंस डिपार्टमेंट मेमो नंबर F12 और जो भी ये डिटेड है 10/4/1967। द मैटर रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर द चेंज ऑफ सरनेम ऑफ द फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन द अकाउंट ऑफ मेरिटल स्टेटस हैज बीन एग्जामिन्ड, यानी ये देखा गया कि जो भी महिला कार्मिक है उनका सरनेम जो भी शादी के बाद में चेंज करना चाहती है और इट हैज बीन डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया है टू अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाएगा या किस प्रोसीजर को अपनाने का निर्णय लिया गया है, किसके लिए एडिशन यानी कोई नाम में जोड़ना है कुछ चेंज करना है या नाम में कोई डिलीशन करना है यानी नाम सरनेम में से कुछ भी हटाना है शब्द वगैरह,
ऑफ द सरनेम ऑफ ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? तो दो बातें हैं, पहला है कि एडिशन, या तो नाम में कुछ जुड़वाना है या चेंज करना है सरनेम में ओनली, यानी या तो जुड़ना है सरनेम में या सरनेम में कुछ चेंज करना है, तो ऑन द अकाउंट ऑफ मैरिज, यानी कब करना है, या तो महिला की शादी होती है या रीमैरिज ऑफ ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या कोई महिला पुनर्विवाह करती है तब, तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मे बी मीट फॉर दिस पर्पज, क्या क्या आवश्यकता होगी। पहला तो इफ़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिजायर्स ए चेंज, शी शुड गिव ए फॉर्मल इन्फॉर्मेशन टू हर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर कोई भी महिला डिजायर, यानी उसकी इच्छा है कि उसका नाम चेंज कराए, खास करके सरनेम, तो उसके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, नियुक्ति अधिकारी है, उसको अपनी सूचना दें, और उसके लिए फॉर हर मैरिज एंड रिपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन हर सरनेम, वो अपनी शादी की सूचना दे और उसमें सरनेम चेंज करने की जो भी सूचना है वो लिखित में अपने जो नियुक्ति अधिकारी को दे, और पार्टिकल्स फॉर द हस्बैंड मे बी गिवन फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन द सर्विस बुक, और सर्विस बुक एंट्री के लिए हस्बैंड की जो भी डिटेल्स वगैरह है, जो भी जानकारी है, वो भी देनी जरूरी है। दूसरा है, ये तो हो गया एडिशन या चेंज, अब है डिलीशन। कोई सरनेम है उसमें डिलीशन करना है, यानी उसको हटा देना है, या रिवर्जन ऑफ द मेडन नेम, यानी जो पहले नाम था उसको पुनः करना है। कब करना है? कि ऑन डाइवोर्स या सेपरेशन, अगर डाइवोर्स हो जाए तो वापस नाम पुनः पुराना नाम रखना है, या सेपरेशन यानी पृथकता के मामले में, या पति को छोड़ दे, या डेथ ऑफ द हस्बैंड है उस मामले में क्या होगा। चेंज में भी परमिटेड इफ ए गवर्नमेंट फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गिव्स, अगर क्या वो देती है, इंटीमेशन ऑफ टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग चेंज इन मैरिटल स्टेटस, यानी वो अपनी मैरिटल स्टेटस, शादी की स्थिति में बदलाव का जो भी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन देती है, तो उस आधार पे, और फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर रिवर्जन ऑफ द मेडन नेम, या उसका नाम अगर पुराना नाम से वापस रखना है, उसके लिए अगर कोई रिक्वेस्ट देती है तो उसका आधार पे इनको किया जाएगा। और देर इज़ नो प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर आइटम फर्स्ट एंड सेकेंड, और इन दोनों पर्पज़ के लिए, यानी एडिशन चेंज या डिलीशन के, सरनेम के डिलीशन के लिए कोई विशेष प्रपत्र नहीं है, यानी कि फॉर परमिशन फॉर चेंज डिलीशन ऑफ सरनेम ऑफ द फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी ग्रांटेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी जो नियुक्ति अधिकारी है उनके द्वारा उनके नाम वगैरह को, सरनेम को चेंज करने की अनुमति दे दी जाएगी इस प्रोसेस के द्वारा। तो ये जो आदेश था सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आदेश 15 फरवरी 2018 का है। अब जो वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि बंध पत्र कैसे है, तो नाम या उपनाम परिवर्तन करने का जो बंध पत्र है, बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, जिसको जो भी अगर हो सकता है टाइप कराना या जो भी हो। अब इसका फॉर्मेट भी आपको बता दूँगा कहाँ मिलेगा। इस बंध में लिखना पड़ेगा कि इस बंध पत्र द्वारा निम्न हस्ताक्षर करता, जो नया नाम कार्मिक जो अपना नाम रखना चाहता है, जो अभी इससे पूर्व पुराना नाम, यहाँ आपको पुराना नाम लिखना है, जो वास्तविक नाम अभी है, और जो नया नाम चेंज करना है वो यहाँ लिखना है, और जो संबंधित कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किए गए पद का नाम, अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक या जो भी पद है उसका नाम, और स्थान नियुक्ति स्थान है और जहाँ राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त है या नियुक्त था या थी, ये तद द्वारा ये जो घोषणा है कि मैं स्वयं और मेरे पति पत्नी या संतान या दूसरे संतान जो पूर्णतः मेरे पे आश्रित है, मेरा पूर्व नाम ये है, उपनाम को त्यागता हूँ या त्यागती हूँ, और उसके स्थान पे उसी तारीख से नया नाम, जो भी नाम नया है, वो ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, और इसके लिए मुझे मेरे पति पत्नी संतान दूसरों को पूर्णतः जो मेरे पर आश्रित है, और इससे पूर्व मेरे उपनाम से कोई नहीं जाना जाए, और इस तरीके से जो शपथ पत्र है, जहाँ जहाँ कार्मिक का नाम या पूर्व नाम है वो वहाँ लिखना है, और ये शपथ पत्र देना जिसमें नया नाम है वो यहाँ साइन करना है, पुराने नाम से साइन करना है, और दो साक्षी के यहाँ हस्ताक्षर करने हैं, और साक्षी ऐसे हो जिनको नियुक्ति अधिकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर जो वो जानते हो, जैसे कि वीडियो को मैं शुरुआत में मैंने बताया। तो ये फॉर्मेट आपको एक तो ये rajsevak.com की साइट पर मिल जाएगा, और ये तीनों फॉर्म, ये फॉर्म है, ये आदेश है, और ये तीनों चीज़ें जो भी आदेश है, ये जो मैंने ये तीसरा भी आदेश ही बताया, ये तीनों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी को आवश्यकता हो तो। और टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल का जो भी नाम है SS EduTech, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप ये तीनों जो बॉन्ड है या जो अगर आदेश फरवरी 2018 वाला आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सारे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। इसके अलावा साला दर्पण, पे मैनेजर, इनकम टैक्स या अन्य टेक्निकल जानकारी या सामान्य ज्ञान से संबंधित, या अगर आप फ्री बैठे हैं और आप कुछ ज्ञानवर्धक मनोरंजन कहानियाँ सुनना चाहते हैं या पहेलियाँ अगर देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो भी मेरे वीडियो पे अपलोड की हुई है, तो चैनल को विजिट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।